गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्लास का इंग्लिश का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 13 है द माइस। ये एक पोयम है। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल, दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल। जो माइस होते हैं वो इस पोयम का पोइट कह रहे हैं, जो माइस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उनकी जो टेल होती है मतलब कि पूंछ, वो बहुत लंबी होती है। उनका जो फेस होता है वो छोटा होता है और उनको कोई चिन्ह नहीं होता है। देयर ईयर्स आर पिंक, देयर टीथ आर वाइट, दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट। जो माइस होते हैं उनके ईयर्स जो होते हैं कान, वो पिंक कलर के होते हैं, उनके टीथ वाइट होते हैं और वो रात के टाइम पर पूरे घर में यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं। The nibble things they shouldn't touch and no one seems to like them much, but I think mice are nice. जो mice होते हैं वो कोई भी चीज़ें जो होती हैं घर में, जैसे कि कपड़े या फिर कोई खाने की चीज़, उन्हें वो कुतरते हैं और हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए। एंड no one seems to like them much. बहुत कम ही लोग उन्हें पसंद करते हैं माइस को, बट पोएट कह रहे हैं आई थिंक माइस आर नाइस। जो माइस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा पोएट कह रहे हैं। इस पोएम में आपको जो कुछ भी समझना आए आप वो हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इस पोएम की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू।